अक्सर हमसे कहा जाता है कि सस्ते शेयर खरीदना चाहिए, अंडरवैल्यूड शेयर खरीदना चाहिए। आप कैसे समझेंगे कि कोई शेयर अंडर प्राइज है या नहीं है? सबसे पहला पॉइंट, प्राइज वर्सेस वैल्यू। प्राइज, अगर किसी कंपनी के शेयर में ज़्यादा खरीद बेच हो रही है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस उस कंपनी के शेयर के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस ज़्यादा सेलिंग हो रही है, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर शेयर के प्राइस गिरने लगते हैं। वहीं पर अगर वैल्यू की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में डस्टर हो, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी फिनिशिंग कॉस्ट, इसको पूरे बनाने में अगर 10 रुपये लगे हों, तो हम कहेंगे कि 10 रुपये इसकी वैल्यू है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यानी कि अगर यह प्रोडक्ट हमें अगर कोई 8 रुपये में दे तो हम कहेंगे कि यह सस्ता है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर कोई हमें 15 रुपये में दे तो हम कहेंगे कि यह महंगा है, क्योंकि हमें पता है, हमने खुद आइडेंटिफाई किया है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपये है। ठीक इसी तरीके से शेयर के केस में भी होता है। हर कंपनी के शेयर्स की अपने कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदते हैं तो शेयर्स आपके लिए सस्ते पड़ते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि वो शेयर अंडर प्राइज है, अंडर वैल्यूड है। लेकिन वहीं पे अगर शेयर के प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे खरीदते हैं आप, तो हम कहेंगे कि ओवर प्राइज है, यानी कि ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस उस कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू से कम, ज़्यादा या बराबर हो सकती है। जैसे किसी शेयर की अगर इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये हो तो हो सकता है कि उसके शेयर के प्राइस 80 रुपये हो, 100 हो या 120 हो। किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो मार्केट कैलकुलेट करके आपको खुद दिखा देता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन किसी भी कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो आपको खुद निकालना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके।